पैटर्न तो डेफिनेटली लग रहे हैं क्योंकि दो तीन दो दिन पहले जब स्टॉक ने इलेवन सिक्सटी सिक्सटी के लेवल ब्रेक किए थे तब ऐसा लग रहा था कि एक शार्प अपू देखने को मिलेगा लेकिन पिछले दो दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा है आ, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं देखा है मेरा तो समझना है कि अभी भी आप बने रह सकते हैं ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज जो कि 1158 के आसपास है वहां पर आपको चौंपा सकना है आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जब रैली देखने को मिलेगी तो कम से कम 1220 तक के सर देखने को मिल जाएंगे चलिए कल बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक कॉल आया था एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि किसने वो कॉल दी थी 170 की कॉल सजेस्ट की थी दिसंबर के शायद मानस ने दी थी मानस 170 सौ की दिसंबर की कॉल आपने सजेस्ट की थी बैंक ऑफ बड़ौदा की कल मेरे ख्याल से एक बार वो कॉल वापस लेकर आई है मेरे ख्याल छः रुपये पे वो कॉल सजेस्ट हुई थी आ, और आ, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप दिसंबर के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं नवंबर के ऑप्शन में अब आपको ट्रेड करने को मिलेगा नहीं क्योंकि फिजिकल डिलीवरी है हाँ तो छह रुपए पे कॉल मानस ने सजेस्ट की थी इस समय साढ़े आठ रुपए का उसका रेट तो करीब करीब ढाई रुपए इन द मनी मानस क्या करें इसमें आपके टारगेट्स क्या थे एक बार रिवाइज कर दीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस तो देखिए पांच रुपए के स्टॉप लॉस से मैंने रिकमेंड किया था दस रुपए तक के टारगेट से आ, और अभी भी देखिए बहुत ही स्ट्रांग लगता है मैं तो समझता हूँ कि अभी भी आप बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रिवाइज कर लेना बेहतर आइडिया है

उसके बावजूद कोशिश कर रहा है आईटी देखिए अब थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है हमने तो सुबह भी एक कॉल लिया था कि आईटी आज शायद एक आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को एच सी एल टेक टी सी एस इन्फोसिस इस सब के सब डे हाई पर एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए निफ्टी आईटी इस समय डे हाई पर अब एक काम करते हैं रमेश चौहान जी को जोड़ लेते हैं एक काफ़ी इंडिया के वन ऑफ तो द बेस्ट बिजनेसमैन बिस्लरी के चेयरमैन ओनर हैं और खबरें आ रही हैं कि अब वो शायद इसको बेच रहे हैं टाटा को चौहान साहब गुड मॉर्निंग चौहान साहब गुड मॉर्निंग मेरी आवाज आ रही है हेलो चौहान साहब गुड मॉर्निंग मेरी आवाज आ रही है आप तक बात कर रहे हो और किसी से बात कर रहे हो नहीं आपसे बात कर रहा हूँ सर आपको आवाज आ रही है था। मेरी हाँ जी तो सर ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप ये बिस्लरी को बेच रहे हैं टाटास को नहीं तो ये खबरों का आप क्या खंडन कर रहे हैं क्या कोई कर डिस्कर्स है अच्छा बात कर रहे हैं तो किस किस लेवल तक बातचीत पहुंची है सर और टाटा के अलावा किसी और से भी बात हो रही है टाटा से भी बात हो रही है, हो है। हाँ। क्योंकि हमारे जो सिस्टर चैनल को आपने इंटरव्यू दिया उसमें तो शायद आपने कंफर्म किया है कि आप जो आपकी बेटियां शायद वो उस बिजनेस को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसके लिए आप इस बिजनेस को अब बेचना चाह रहे हैं तो बेचना चाह रहे हैं ये है ओके okay. और ये 6000 से 7000 करोड़ की जो बात हो रही है ये डील वैल्यू की आ, क्या ये सही है सर नहीं negotiation. Negotiation में चल रही है लेकिन किस लेवल तक नेगोशिएशन चल रही है सर कोई एक किस स्टेज पर है नेगोशिएशन अगर अगर इस समय आप हमें बता सके तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता हुँ. जब हो जाएगा तब कह सकते हैं तो सर आ, लेकिन इतना आइकॉनिक ब्रांड इतना बड़ा मार्केट शेयर इतनी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी आप क्यों बेचना चाह रहे हैं एक आपका एक आपने इसको मतलब संभाला है इतने सालों से, आ, इतना बड़ा ब्रांड है इसको क्यों बेचना चाह रहे हैं आप नहीं नहीं अभी के लिए कोई नहीं है है ठीक तो एक हल्का सा रिग्रेट है कि इसको इसको बेचना पड़ हाँ रहा है हल्का सा रिग्रेट है कि इसको बेचना पड़ रहा है आपको या हाँ जी? आपको हल्का सा दुख है कि हल्का सा दुख भी है कि इस इस ब्रांड को इतना आइकॉनिक ब्रांड को अब आप बेचेंगे तो कि कोई और संभालना नहीं चाहता है तो आ, नहीं वही जैसा जैसा कह कह रहे रहे आप, पड़े आप बेचना पड़ेगा को भी एक लेना। पूछे। बेच जी। रमेश जी खैर हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं आप इस, इस, इस कंपनी को बेचने जा रहे हैं लेकिन ये सर ये ये सेल आउट पूरा होगा आप अपना पूरा हिस्सा बेच देंगे या फिर कुछ रखेंगे भी आप इस पर आपके है ओके okay. मतलब मतलब ये पूरा सेल आउट भी हो सकता है और आप कुछ हिस्सा रख भी सकते हैं इसका मतलब ये डिस्कशन का पार्ट अभी भी है हाँ जी चलिए चौहान साहब शुक्रिया okay. आपका और ये आपने जानकारी दी हमको और एक तरीके से कंफर्म किया कि टाटाज भी हैं और और भी लोगों से बात हो रही है और एक क्लियर तो दिख के आ रहा है कि एक थोड़ा सा एक बेचना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं एक ये एक क्लियर एक है कि थोड़ा सा तो उनको इस चीज़ का बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें